लातेहार और चतरा जिले की सीमा पर स्थित कुरुमदारी गांव के पास मानत नदी पर पुल निर्माण स्थल पर शुक्रवार की शाम नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान नक्सलियों ने निर्माण कार्य में लगे 3 वाहनों को जला दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शुक्रवार की शाम नदी में पुल निर्माण का काम चल रहा था और इस बीच करीब 7-8 हथियारबंद नक्सली घटनास्थल पर पहुंचे और वहां काम कर रहे मजदूरों को एक कमरे में बंद कर लिया। नक्सलियों ने सभी मजदूरों के मोबाइल फोन छीन लिए। इसके बाद उन्होंने निर्माण स्थल पर खड़ी एक JCB, एक पॉकलेन और एक टैंकर में आग लगा दी। इस दौरान नक्सलियों ने कार्यस्थल पर मौजूद कर्मियों को चेतावनी दी कि अगर बिना आदेश के काम शुरू किया गया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद नक्सली मौके से चले गए। नक्सलियों के जाने के बाद स्थानीय मजदूरों द्वारा गाड़ियों में लगी आग को बुझाया गया, जिससे वाहनों को आंशिक क्षति हुई। बाद में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल घटनास्थल पर रवाना हुआ। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। SP अंजन ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सलियों ने 3 गाड़ियों में आग लगा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी संभावना है कि माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। SP ने बताया कि घटना को माओवादी कमांडर मनोज गज्जू के दस्ते द्वारा अंजाम दिए जाने की संभावना है। बालूमास से प्रफुल्ल पांडे की रिपोर्ट। हम लोग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। आए उन लोग, हम लोग के मोबाइल लिए, रूम में बंद किए और उसके बाद मोबाइल आगे जाके फेंक दिए। अच्छा, कितना बजे का ये है? 3:30 बजे का है। कितना लोग थे उसमें? उसमें तो 6-7 आदमी आए थे। अच्छा, और बाकी उधर थे, सब हथियार बंद थे? हाँ, हथियार बंद थे। और किस तरह का ड्रेस पहने हुए थे? ड्रेस समझ लिया कि खाकी पहने हुए थे सब। पुलिस वर्दी। और कोई नारा वगैरह? कोई नारा नहीं। कुछ बताया कि मालिक को बोल दो बात करेगा तब? मालिक को बोले कि बात करने के लिए बोल दो, उसके बाद काम चालू। उसके बाद काम तो किससे बात करने के लिए बोला गया? ही नहीं, ये कुछ नहीं बोले। अच्छा।